अगर आज तू और प्रज्ञा जी साथ होते तो तेरी बेटियां भी तेरे साथ होती। बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देख इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। और तुझे भी प्रज्ञा जी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को। अरे खाक का क्वालिटी टाइम, क्या क्वालिटी टाइम, मुझे छोड़कर बाकी सब चीजों के लिए टाइम था उसके पास। दासी, दादी, ताई जी, ताऊ जी, जब मैं जाऊँ उसके पास तो नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। यार हमारे बच्चे कब होंगे? आपको अभी बच्चे करने, मुझे काम है इतना सारा, प्लीज परेशान मत। बच्चे अभी नहीं करने हैं ना, पर कमरे में चलो कुछ बात बात कर लेंगे। बच्चे नहीं है तुम्हारे पास, मेरे लिए टाइम नहीं है, बच्चे होंगे तब क्या होगा। चलो ना थोड़ा कॉलेज टाइम स्पेंड करते हैं। खराब हो जाएगा। क्यों चलूं मैं आपके साथ? क्या करना है आपको क्वालिटी टाइम में बताओ ना, तुम्हें क्या करना है? आपके दिमाग में ना हमेशा उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं। तो दिल में भी वही चल रहा है। अरे धड़कन सुनो तुम। हटिए। तुम्हें कैसे पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? फर्स्ट टेल मी दैट। जब पता है तो बताओ तुम मुझे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में ये चल रहा है क्या? बोलो 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 बोलो, टेल मी टेल मी टेल मी। टेल मी ना यार। नहीं आप मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे व्हाइट बटर बनाना और मिताली भाभी को भी सिखाना है, प्लीज। आप वो आती होंगी, आप जाइए। अरे वो भी बना लेंगे, तुम चलो। तो नहीं आप जाइए ना। भाभी देखो कैसे धक्के मारकर मुझे निकाल रही है, आपके प्यारे देवर को ऐसे धक्के मारकर निकाल रही है। शी इज सच अ बैड बहू। हां बैड बहू तो है, मैंने देखा तुम्हें धक्के मारकर निकाल रही थी। ये क्या कर रही थी तुम मेरे प्यारे से रॉकस्टार देवर के साथ में? मतलब ये तो वो क्या बोलते उसे, डोमेस्टिक, वो वायलेंस। हां वही वही, सो बैड। वायलेंस नहीं है, सेल्फ डिफेंस है। आप नहीं जानती ये आपके देवर मुझे कितना परेशान कर रहे थे। क्या परेशान कर रहा था, मैं सिर्फ कह रहा था। मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने कहा कि मेरे साथ चलो रूम में, कुछ बातें बातें कर लेंगे। आई वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू। इससे पूछो इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे क्या चल रहा है, बाहर तक आवाजें आ रही है। टाइम पर आएगा तुम निशा, तुम नहीं पता तुम्हारी प्रज्ञा दी, शी इज सो नॉटी। मैंने इसे कहा कि मेरे साथ चलो हम कमरे में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, इसके दिमाग में। हां बोलो क्या है तुम्हारे दिमाग में। तुम शैतान कहीं के, तुम तो निकलो यहाँ से। मैंने तेरी देवरानी को परेशान कर, निकलो। और तुम इधर आओ मेरे साथ में, तुम मुझे जाने दो, तुम मेरी सुनो, तुम मुझे यहाँ सिखाओ कि ऐसी बात नहीं बनने वाली। उठा के लेके जाओ, ये सब काम मैं संभालूंगी। उठा लो, बना लोगी व्हाइट बटन? ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे वो देखो ऊपर उड़ता हुआ करेला। करेला क्या? मेरे लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता था, मुझे बस टाइम मांगना पड़ता था, कभी प्यार से तो कभी टकरार से। चाचू चलो जल्दी, और बूजी को दवाई नहीं मिल रही। तो कौन सी दवाई? सर दर्द की दवाई। अरे एंजॉय। तुम यार रात में भूत की तरह क्या कर रहे हो किचन में? मैं तुम्हें भूत दिख रहा हूँ। दिखे इसलिए तो बोल रही हूँ। अच्छा रुमाल तुम्हारा है? ये ना तुम लड़कों के बहुत पुराने तरीके लड़के से बात करने के, तो नहीं का रुमाल उनको ही देंगे और बोलेंगे कि नीचे गिरा हुआ था, कहीं आपका तो नहीं। ये मुझे यहाँ नहीं, मेरे रूम में मिला, तुम्हारा ही है ना? मेरे रूम में ना मेरी और प्राची की बहुत सारी चीजें, कुछ भी चुराना मत। हंस क्या रहे हो? मैंने कोई जोक बोला? तुम ना बहुत क्यूट हो। देखो ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, नहीं होता। गुड नाइट। यू नो व्हाट, मैं स्ट्रेट हूं। तो मैंने कब कहा कि नहीं हो? अभी कहा। मेरी और प्राची की चीजें चुराना मत, ना तो मैं लिपस्टिक यूज करता हूँ, ना ही तुम्हारे कपड़े मेरे कोई काम के। सो चिल, तुम्हारा सारा सामान मेरे रूम में सेफ है। तुम्हारी नहीं, मेरे रूम में। तुमसे पहले मैं वहाँ रह रही थी, और तुम यहाँ मेहमान बन के आओ तो मेहमान बन करो और चलते बनो। ओके जैसा तुम कहो, बाय। सुनो उस रूम में ना थोड़ा ध्यान से सुना, वहां पर ना कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती है, और कुछ भी होता रहता है, कभी पेंटिंग गिर जाती है, कभी शोर मशीन लगता है। और मैं और प्राची तो बहुत बहादुर लड़की है, पर तुम्हारा पता नहीं कि तुम कैसे हो, तो बस थोड़ा सा ध्यान से सुना। तो तुम्हारा मतलब है वहाँ कोई भूत है? हाँ बिल्कुल, और वो भूत ना सिर्फ लड़कों पर अटैक करता है, उसे लड़की बिल्कुल पसंद ही नहीं है, लड़कों से बहुत चिढ़ता है वो। ये कैसे पता? क्योंकि उसने कभी हमें तंग ही नहीं किया है,
हो सकता है वो किसी को तंग नहीं करता, लड़कों को ही तंग करेगा, ये कैसे मालूम? तुम्हारी बात हुई है क्या उससे? एक सेकंड, तुमने मुझे भूत नहीं कहा? ये मैंने कब कहा? तो भूतों से बात कौन करता है? भूत नहीं ना? ओके ठीक है मैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शाहना मुझे बता रही थी कि मेरे रूम में भूत है, लड़कों को तंग करने वाले भूत। चुगली की तुमने मेरी? चुगली पीठ पीछे की जाती है, जो सामने बोलते हैं ना वो सच होता है। क्या बचपन है मासी, मैं तो बस मुझे सब पता है शाहना, क्या हुआ होगा और तूने क्या बोला होगा इसे। बस ठीक है, मैं ही बुरी हूँ, सब अच्छे, रिया अच्छी है, ये अच्छा है, सब अच्छे, मैं ही बुरी हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। अरे ये तो बुरा मान गई। वो ऐसी है, छोटी सी बात पे रूठ जाती है फिर खुद मान जाती है। एक्चुअली मैं पानी पीने आया था, आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं, वो मैंने किचन की लाइट ऑन देखी और आवाजें सुनी तो मैं चेक करने आ गई। ऋषि तुम बहुत अच्छे लड़के, कोई और होता तो शाहना से झगड़ा हो जाता, तुमने अच्छे से मैनेज कर लिया। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय क्यूटी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जैसी खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो मैं ये मान नहीं सकता। तो नाम क्यों पूछ रहे हो? स्टेटस ही पूछ लो ना। क्या है स्टेटस? बॉयफ्रेंड था पर अभी रिसेंटली ब्रेकअप। अभी आ गया? ये सब अपने केबिन में। थैंक्स, आई विल कैच अप विद यू। पूरा सब मुझे आपसे 2 मिनट को जरूरी बात करनी है। मेरे को ना एक्चुअली फुटबॉल की प्रैक्टिस में जाना है, तो मुझे प्लीज हाफ डे मिल सकता है? प्लीज हाफ डे नो, बहुत काम करना। प्लीज, कुछ काम भी नहीं है आज, ऑनेस्टली कोई काम नहीं है, प्लीज जाने दो ना। काम बहुत मन है। क्या डैड ने दिया होगा कोई काम? वो काम नहीं है पूरा सर, वो मुझे टॉर्चर करने के तरीके आपको तो पता ही, और आपको पता है ना मुझे ये काम करने में बिल्कुल मजा नहीं है। ये बात सब जानते हैं, इनफैक्ट तुम्हारे डैड भी जानते हैं, एंड आई थिंक इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। देयर इज अ सडन वर्क प्रेशर, सो अपने डैड को कॉल करो, पूछोगे वो कब आ रहे, और हाँ प्राची को भी फोन करो, पूछोगे वो कब पहुंचेगी। पर एक सेकंड, सडन वर्क प्रेशर, ऐसा कौन सा वर्क प्रेशर आ गया? जूही का फोन आया था, तुम्हारे डैड ने कोई इवेंट एक्सेप्ट कर लिया, एंड दैट टू ऑन शॉर्ट नोटिस। वी डोंट हैव एनफ टाइम, बट अब एक्सेप्ट कर लिया है तो करना तो पड़ेगा, सो वी नीड टू गेट रेडी ASAP। फोन करो। कम ऑन, एक और इवेंट, शाबाश डैड, शाबाश, हाउ स्मार्ट। हेलो डैड, व्हाट द हेल डैड, थैंक गॉड यार, अच्छा तू आ गया, ये प्रज्ञा आई क्यों नहीं, कहीं वापस से उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया ना, जैसे पिछली बार किंग सिंह आ गया था बॉस बनकर, इस बार कोई और? अरे भाई तू कुछ भी बोले जा रहा है यार, अरे मेरी बात हुई है प्रज्ञा दी से। हाँ डैड आज ऑफिस नहीं आएंगे। हाँ नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे मुझे कामचोर बोलता है, दुनिया का सबसे बड़ा कामचोर वो है, ना आए अच्छा ही है, तू बता मुझे क्या ये कह रहा था कि प्रज्ञा? अरे मैं कुछ कह रहा था यार, मेरी बात ही नहीं सुन रहा कोई, कॉलेज इवेंट डैड ने बिना पूछे ले लिया, वो भी फैशन का, एंड इनफैक्ट रिया इज वॉकिंग इन दैट। डोंट डू कॉलेज इवेंट्स, कॉलेज इवेंट मतलब खाली पड़े क्या? अरे मैं कुछ कह रहा था, मेरी बात को सुन लो। उसकी हालत देख, आग सूझ गई है उसकी, और तू हंस रहा है? अरे हंसी नहीं, सवाल है, वो इवेंट एक्सेप्ट करके खुद बॉम्बे चला गया कॉन्फ्रेंस के लिए। एग्जैक्टली माय पॉइंट, उनको खुद तो इवेंट छोड़ के चले गए मेरे सर पे। ओह शिट शिट शिट, क्या कहा तूने, मुंबई चला गया? ड्यूड योर फादर मैन, वो अलग ही डाई का बना हुआ है। आई टेल यू योर फादर्स प्लान, वो तुझसे ना कमर तोड़ मेहनत करवाना चाहता है। And when I'm talking about kamar tod mehnat, I'm talking about serious work shit. Like serious. Hame karna kya chahiye ab, kya, what should we do now? I've got an idea. Tu ek kaam kar, tu zyada tension mat le, main hoon, sab sambhal lunga main. Kaise chief, hame bas time bhi to nahi bacha, Monday ko event aane wala hai. Hamare office mein jitne sare interns hai na, sabko conference room mein bula. Let's call for an urgent meeting. I'll tell you all what to do. Main Meera ko bhi bula leta hu, she be of good help. I'll go, I'll do that. Okay. Definitely. So, see you. See you. I know I'm late, girls. But मुझे दिल्ली में drive करना बहुत अच्छा लग रहा है. Just loving it. तुम ना एकदम रिया जैसी हो. No. She's better than me. अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि मैं रिया जैसी हूँ. मैं उसकी तरह हूँ तो नहीं, पर मैं उसकी तरह बनना ज़रूर चाहती हूँ. I mean, I love the way she is. और तुम दोनों भी. Thank you. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सामने मार्केट है प्रियंका, तुम अपने कैमरा के लेंसेस यहाँ से खरीद सकती हो। आयुष शो या हम साथ चले? नहीं मैं चली जाऊंगी।
वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इतने क्राउडेड मार्केट में ना लोकल पॉकेट मार हो सकते हैं। हाँ यार, जस्ट बी केयरफुल हाँ प्रियंका। Not crowd. Oh, big cheap type ki people. देखती नहीं चल सकती तो वैसे ही इतना क्राउड है, ऊपर से तुम लोगों की देख के मैं नहीं चल सकती या तू नहीं चल सकती हा? अरे धक्का तूने मारा, मुझे गिराया तूने, मेरी सब्जी गिरा दी तूने और मुझे बोलती है कि देख के नहीं चल सकती। ए बुढ़ी, नजर के साथ साथ अक्कल भी कमजोर हो गई है क्या? बुढ़ी होगी तेरी माँ और बेअकल अंधी होगी तू। तुझे तमीज नहीं है कि बड़ों के साथ बात कैसे करनी है? अरे तेरे जैसी लड़की को तो ना तेरे घर वालों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए। हाउ डेयर यू, मेरी फैमिली का नाम लिया तूने, स्टूपिड ओल्ड लेडी। अगर एक शब्द और कहा ना, कहूंगी नहीं बल्कि करूंगी भी, तेरे को ना मार दूंगी। अरे क्या देखो, एक मिनट रुकिए, क्या हो क्या यहाँ पे? अरे देखना क्या क्या बोल रही है मेरे को बुड्ढी बोल रही है, मेरे को बोलती कि चोल ना नहीं आता है, हाँ बेअकल बोल रही है मेरे को। एक मिनट, मैं बात करती हूँ। क्या ये सब? अरे ऐसी औरतों को घर से बाहर ही क्यों निकालते आप लोग? हमें घर पर बांध के रखना चाहिए, टाइम वेस्ट कर दिया। एक मिनट, तुमने क्या कहा? तुमने कहा इन्हें बांध कर रखना चाहिए घर पे। तुम कौन हो जो इतने सवाल जवाब कर रही हो? पुलिस इंस्पेक्टर हो? पुलिस इंस्पेक्टर हूँ नहीं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर को यहाँ बुला सकती हूँ। एक तो तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो, ऊपर से इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, और जब मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगी और ये सब बताऊंगी तो तुम्हें पता है ना उन्हें कैसा लगेगा? सीनियर सिटीजन को इस तरीके से परेशान करना एक तरह का क्राइम है। लिसन, यू लिसन टू मी यंग लेडी। इनका सामान गिरा हुआ है, साड़ी पे कचरा लगा हुआ है, मतलब ये गिरी है, तुमने धक्का दिया, ऊपर से तुम इन्हें भला बुरा कह रही हो, हर तरफ से तुम गलत हो। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर पुलिस के पास नहीं जाना है तो माफी मांगो इनसे। सिर्फ माफी नहीं, कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगा। अरे मैं बात कर रही हूँ ना इससे। दादी सही कह रही है, बहुत बदतमीज लड़की है ये। अरे बॉस सुनाया आंटी को, अंधी बोला बुढ़ी बोला। अमीर जादी है ना इसीलिए। तो व्हाट, अमीर होना कोई गलती है? अमीर होना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम बात कर रही हो वो गलत है। खुद अमीर हो तो हर किसी इंसान को गरीब और छोटा समझना गलत है। तुम इस मार्केट में आई हो, तुम्हें लग रहा है ये बैठे देना और हम कहीं के जानवर है, तुम्हें लगता है हम इंसान ही नहीं है? तुम इस तरीके से किसी से बात नहीं कर सकती, तुम माफी मांगो इनसे। अरे क्यों उससे अपना दिमाग लड़ा रही है हा? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। आप रुकिए, तुम माफी मांगो इनसे वरना पुलिस आएगी, तुम तुम्हारी फैमिली के साथ जाओगी पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस आए तो लोग इस बुड्ढी की ही साइड लेंगे, फिर पुलिस मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएगी, फैमिली बुलाएगी। नो नो नो, आई एम सॉरी आंटी जी, मुझे गुस्सा आ गया था तो मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry, आंटी जी। कोई सॉरी वोरी नहीं, मेरी सब्जी उठा के थैले में डाल और थैला मेरे को पकड़ा, तब जाने दूंगी। रहने दीजिए सरिता जी, सॉरी बोल रही है ना वो। ऐसे जाने दिया तूने, करने देना था ना मुझे पुलिस को फोन। बोला ना सॉरी उसने, बच्ची है शाहाना की तरह। शाहाना की तरह तो बिल्कुल नहीं है, शाहाना जैसी भी है लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा और इसका एकदम खराब। चलिए वो भी खराब, आपकी साड़ी भी खराब हो गई है, चलिए बदल लीजिए। हाय प्रियंका, मिला वेंस मिला? अच्छा प्रियंका, एवरीथिंग इज ऑल राइट? मेरा मूड खराब है। पर ये हुआ कैसे? एक बुढ़ी औरत मिली थी, दिमाग अपना घर छोड़ के आई थी वो। आई स्वेयर अगर मुझे दोबारा मिली ना वो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चलो रिलैक्स रिलैक्स, लेट्स गो। मैं तुम दोनों को रास्ते में कहीं छोड़ दूंगी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। या श्योर, इट्स ओके। सॉरी सॉरी आई एम लेट, मुझे लगा सब आ गए होंगे। हाय ऋषि। तुम लेट क्यों?
Hi, can I have your attention, please? Well, I hope आपने एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस तो कर ही लिया होगा है ना? But एक छोटी सी प्रॉब्लम. I am the boss. तो इंट्रोड्यूस तो मैं ही करवाऊंगा आपको. ओके? कोई बोले ना बोले, ये खुद को बॉस बोले बिना रह नहीं सकता. So let's start from the guy on my right. You... What's up, guys? Hello, hello everyone. Hello. So can I have a selfie with you? Firstly, sit down. Sit down. Sit down. Sit down. देखो ये टाइम सेल्फी का नहीं, ये टाइम सिर्फ काम करने का. यू गाइज आर रियली लकी, वेलकम. ये आते ही तुम सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट में काम करने को मिल रहा है. इस इवेंट में तुम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सिर्फ एक चीज नहीं मिलेगी, वो है एन एक्सपीरियंस पर्सन लाइक मी. लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो यंग है, डायनामिक है, और इस इवेंट को हेड करेंगे रणबीर. यू विल बी हेडिंग दिस. दिस इज अ फैशन इवेंट जो मेरी बेटी रिया के कॉलेज में होगा. इज दैट क्लियर? ओह नो, ये तो वही फैशन वीक है जिसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करना है. ऑफिस के काम के साथ सब कुछ कैसे मैनेज कर पाऊंगी? डोंट वरी, इस इवेंट में हम भी होंगे, वी विल बी देयर. पर तुम सबको रणबीर के गाइडेंस को फॉलो करना है. जाकू, डैड ने इनके साथ मिलकर प्लान तो नहीं बनाया मुझसे काम करवाने का? आई मीन, मैं अकेले कैसे करूंगा? द गुड न्यूज इज यू गाइस ऑल ऑन दिस इवेंट. द बैड न्यूज टू. बैड न्यूज ये है कि we don't have any time, nothing at all, so there is no fixed working hours. Tumhe kab aana hai, kab jana hai, that's your call. Bas din ke target ko dhyan mein rakhna hai. Tum din mein aao, raat mein aao, din mein jao, raat mein jao, doesn't matter, but kaam ko yaad karna hai ki hame kitna kaam khatam karna hai. Agar raat ko late ho jata hai, you guys are more than welcome to come and stay in my house. We have a designated area and I'm sure Meera will take care of that. Any other questions? Chief, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ही ज्यादा. मैं अकेला कैसे करूंगा सब कुछ? Are you so used to doing things single-handedly, aren't you? Come on. अरे don't worry. प्राची, तुम साया बनके रणबीर का साथ दोगी. All right? If he's stuck anywhere, just help him out. Any other questions? Selfie? Not now. After this assignment. See you guys. Bye. सॉरी, मैंने मीटिंग मिस कर दी. कोई नहीं, हम सब हैं, हम बता देंगे. थैंक्स. ऋषि, जब मैं यहाँ नहीं थी क्या तुमने मुझे मिस किया? ऋषि, जब मैं यहाँ नहीं थी तो क्या तुमने मुझे मिस किया? डिड यू मिस मी? उठाता क्यों नहीं था? अरे नानी, मैं उठाता पर मीटिंग में था. नया हूं ना तो सोचना पड़ता है. बताओ क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, आज ना एक अमीर जादी लड़की ने मुझे बुढ़िया कहा. क्या? मेरी प्यारी नानी का कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे लेकिन उस लड़की को मुझ में ना तेरी प्यारी नानी नहीं दिखी, सिर्फ एक बुढ़िया दिखी. बुढ़िया, मैं बाजार गई थी सब्जी लेने. अरे पता नहीं किधर से वो बिगड़ैल बदतमीज अमीर जाती आई, मुझे टक्कर मार के ना मेरे को नीचे गिरा दिया. गलती उसकी और मेरे को ही सुनाने लग गई. तू जो नहीं था ना मेरे साथ, इसलिए. अच्छा नानी, आपके साथ कोई नहीं था? प्रज्ञा थी, लेकिन तुझे तो मालूम है वो तो मदर इंडिया है, एकदम भली मानस, और हर लड़की में उसको अपनी बेटी नजर आती है, और उसने मुझे पुलिस बुलाने से भी रोक दिया. अरे नानी, अच्छा हुआ ना छोटी छोटी बातों पे पुलिस नहीं बुलाते. जुमा जुमा चार दिन तेरे को इधर आए हुए नहीं और तेरे पे भी प्रोग्या का रंग चढ़ गया. अब पता नहीं मेरी बात कौन सुनेगा. अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ. हाँ, तू कर ले अपना काम. ओके नानी, बाय. तू इधर खड़ी क्या सुन रही है? भाई जो आप बोल रही है, आपने अपनी आप भी थी गलत लोगों को सुना रही है. आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं उसका मुंह तोड़ देती.
समझ सकती हूँ कि आपको कितना बुरा लगा होगा, कितना गुस्सा होगा। ये सारे अमीरजादे ना सब एक जैसे होते, बिगड़े हुए और बहुत ज्यादा बदतमीज। आप बताओ मुझे कौन थी वो लड़की, कैसी दिखती थी, उसका हुलिया बताओ, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। इन्हें ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है, अगर सबक नहीं सिखाना ये सुधरने वाले नहीं, मैं बता रही हूँ। सही बोल रही है तू, एक तू ही है जिसने मेरी बात को समझा और किसी ने नहीं। समझदार है तू। अब वो तो मैं हूँ समझदार। एक डील करें, तुझे ना उस लड़की का हुलिया बताऊंगी, तू उसको पकड़ के मेरे पास लाना, उसको तो सबक मैं सिखाऊंगी, इसके बदले में तू जो मांगेगी ना मैं दूंगी। डील डन।